धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कलेक्टर की अपील, आमजन नहीं दें अफवाहों पर ध्यान। धौलपुर जिले में विगत कुछ दिनों से बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने की अफवाह उड़ रही है। जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने इसे झूठी अफवाह बताया है। कलेक्टर गिरी ने कहा है कि धौलपुर में कोई भी बच्चा चोर गिरोह सक्रिय नहीं है। आमजन इन अफवाहों पर ध्यान न दें, फिर भी कोई संदिग्ध स्थिति दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। धौलपुर जिले में आजकल कुछ ऐसी बात सुनने में आ रही है, ऐसी अफवाह सुनने में आ रही है कि कोई बच्चा गिरोह चोरी गिरोह सक्रिय है धौलपुर में, जो पूर्णतः ही गलत है। इसका कोई बेस नहीं है, निराधार बात है, असत्य है। और इसमें पुलिस विभाग द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक ने भी एडवाइजरी जारी की है कि इस तरीके की अगर कोई भी बात सामने आती है तो उसका बिल्कुल उसमें विश्वास नहीं करें। और इस वजह से किसी को भी मतलब हताहत होने की या कुछ ऐसे किसी के खिलाफ ऐसा कोई द्वेष या भावना इस तरह की कोई भी आमजन ना रखें। और साथ में मैं धौलपुर के समस्त क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि ऐसी किसी भी तरीके की कोई बात, कोई प्रमाण ना पुलिस प्रशासन के पास मौजूद नहीं है जिससे प्रमाणित होता है कि इस तरीके का कोई बच्चा चोरी गिरोह धौलपुर में सक्रिय है। और आगे आगे भी हम अपने क्षेत्रवासियों को इसमें अवगत कराते रहेंगे और कोई भी बात आती है सामने तो अपडेट ज़रूर क्षेत्र की जनता को मिलता रहेगा। लेकिन अभी सब लोग संयम बरते और ऐसी कोई भी सूचना कहीं से आती है तो पुलिस प्रशासन जरूर साझा करे और ऐसी बातों को ना ध्यान दे और ना ही ऐसी अफवाहों को फैलाएं और ना ही फैलाने दें। बसेड़ी क्षेत्र के कोटरा गांव के समीप आज बसेड़ी राजकीय महाविद्यालय के नवीन भवन के लिए भूमि पूजन हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा भवन निर्माण के लिए भूमि का पूजन किया है, साथ ही शिलान्यास कार्यक्रम भी किया गया। पंडित द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई। इस मौके पर बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ कांग्रेस के क्षेत्रीय तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व बसेड़ी में राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्री भाटी का राजपूत समाज द्वारा और नेताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा स्मृति चिन्ह भेंट किए। देखा जाए तो फिलहाल बसेड़ी राजकीय महाविद्यालय कस्बा समीप ही राजकीय विद्यालय की पुरानी जर्जर बिल्डिंग में संचालित है। यहाँ बच्चों को बारिश के समय छतों से टपकते हुए पानी का भी सामना करना पड़ता है, तो वहीं मूलभूत सुविधाओं के भी अभाव में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधान लाखन सिंह, भगवान सिंह पिपरौन, बबलू परमार, भानु प्रताप सिंह परमार, ध्रुवेंद्र गुर्जर सरपंच, रघुराज परमार, बद्री सिंह परमार आदि लोग मौजूद रहे। जिले भर की आशा सहयोगिनियों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले जिले भर की आशा सहयोगिनी धौलपुर शहर के गांधी पार्क में एकत्रित हुई। यहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर नेहा गिरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आशा सहयोगिनी का मानदेय बढ़ाने, 2 विभागों की बजाय 1 विभाग के अधीन करने व ANM का दर्जा देने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। साथ ही आशा सहयोगिनियों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन किया जाएगा। आशा सहयोगिनी धौलपुर से मंजू यादव, और आज हम इन मांगों को लेकर यहाँ कलेक्टर में आए हुए हैं क्योंकि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस साल 2019 जब बजट पढ़ाया गया उसमें आशा सहयोगियों को नजरअंदाज किया गया। कार्यकर्ता के पैसे बढ़े, सहायिका के पैसे बढ़े, पर आशा के ऊपर गहलोत जी का कोई ध्यान नहीं गया। अगर गहलोत जी इसी तरीके से करेंगे तो ये आशा आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना रोष व्यक्त करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें 2 विभाग बांटा गया है तो हमें 1 विभाग में किया जाए और हमें ANM का दर्जा दिया जाए और समान वेतन दिया जाए, सबके बराबर वेतन दिया जाए। और हम सारी ग्रामीण PSC से आई हुई महिलाएं हैं, आशा सहयोगिनी है, ग्रामीण से भी आई है, कुछ सिटी की भी है। हमें यह देखते हुए बड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि गहलोत सरकार ने कार्यकर्ता के, सहायिकाओं के सबका मानदेय बढ़ा दिया, जबकि हमारे पास टाइम का कोई वो ही नहीं है। हमारे पास तो 24 घंटों का काम है, रात का, दिन का, महिलाओं का, कहीं बच्चों का, कहीं बच्चे कुपोषण हो रहे हैं, कहीं गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना है, कहीं बालिकाओं में खून की कमी आ रही है, BLO आ रहा है, कहीं मास्टर आ रहा है, कहीं कहीं कोई से भी विभाग का काम आ रहा है, सबको एक जगह ही थोप दिया जाता है कि सहयोगिनी के पास जाओ, गाँव में सहयोगिनी काम कराएगी। उस काम के बदले हमको मात्र 2,500 रुपये दिया जाता है, उस पैसों से मानदेय से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आशाओं को उनके काम के अनुसार मानदेय नहीं मिल रहा है, आशाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दुपक्ष किया जा रहा है, क्योंकि अभी अभी कार्यकर्ताओं का और उनका मानदेय बढ़ा, हम लोगों का उसमें कुछ नाम भी नहीं है।
इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी उनके बराबर का हक दिया जाए। हम लोग हम भी काम करते हैं फील्ड में बराबर, इसलिए मेरी सरकार से यही है कि हम लोग आशाओं को समस्त आशाओं को सब सबके बराबर समझा जाए। हम लोगों का काम फील्ड पर बहुत ज़्यादा है। जिले के मनिया कस्बे में 20 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में आज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों को 5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार 21 जून 1999 को मनिया कस्बे में शिकायतकर्ता दिनेश शर्मा के घर के बाहर बाइक खड़ी थी, तभी उस रास्ते से आरोपी पक्ष के लोग ऊंट गाड़ी से निकलकर जा रहे थे। इस दरमियान ऊंट गाड़ी से पीड़ित पक्ष की बाइक गिर गई। पीड़ित पक्ष की ओर से ऊंट गाड़ी सवार लोगों को रोका गया तो वह धमकी देकर वहां से चले गए और कुछ देर बाद वापस आए, जहां शिकायतकर्ता दिनेश शर्मा के छोटे भाई सुरेश शर्मा को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। साथ ही 2 अन्य भाइयों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले की पीड़ित दिनेश शर्मा की ओर से मनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, तभी से मामला ADJ कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में 5 आरोपी थे, जिनमें से एक की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। वहीं आज ADJ कोर्ट ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिन पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया है। 20 वर्ष पुराने मनिया थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में माननीय अपर सेशन न्यायाधीश श्री देवेंद्र दीक्षित ने 4 जनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है एवं 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। एक अभियुक्त की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है। आज के 30/6/99 को मेरे छोटे भाई सुरेश की अराजक तत्वों ने चाकू मार के हत्या कर दी थी। 2 भाइयों को घायल कर दिया था, जिनमें आज 4 को 20 साल बाद मुझे न्याय मिला है और 4 को आजीवन कारावास की सजा ADJ कोर्ट धौलपुर ने सुनाई है। क्या लड़ाई झगड़ा किया था? मोटरसाइकिल इन्होंने गिरा दी थी। हमने इनसे ये कहा कि भाई तुमने मोटरसाइकिल क्यों गिरा दी, ये कहने पर हमें कौन रोकेगा, इतना कहकर के चले गए। आधे घंटे बाद तैयार होकर के चाकू लाठी सरिया लेकर के आए और आते ही इन्होंने मेरे छोटे भाई पर मृतक जो इसकी मृत्यु हो गई है तो उस पर हमला कर दिया। जब बचाने के लिए 2 छोटे भाई नरेश और उमेश पहुँचे तो उनको भी इन्होंने चाकू सरिया और लाठियों से घायल कर दिया, जिसका प्रकरण यहाँ ADJ कोर्ट धौलपुर में चल रहा था। इसका आज निर्णय हुआ है। धौलपुर शहर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने में वर्ष 2018 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश के एक मामले में एक मुलजिम को दोषी करार दिया है, जिसे कोर्ट ने 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुलजिम को 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 7 जुलाई 2018 को धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने पर एक महिला यात्री ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपनी 9 वर्षीय बच्ची के साथ ट्रेन नंबर 19325 के कोच नंबर S9 में रिजर्वेशन सीट पर बैठकर इंदौर से मेरठ की यात्रा कर रही थी। समय करीब 4 बजे एक अज्ञात व्यक्ति कोच में आया और वह मेरी 9 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ लिया तो उसने अपना नाम नीलेश सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी सहडौल मध्य प्रदेश बताया। धौलपुर जब ट्रेन रुकी तो आरोपी नीलेश को रेलवे सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दिया। रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी नीलेश के खिलाफ मुकदमा नंबर 78/18 IPC की धारा 363, 511, 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। ये मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था। मामले में आज विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुलजिम नीलेश सिंह को IPC की धारा 354 एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। दिनांक 7/7/18 को एक महिला ने रेलवे सुरक्षा बल धौलपुर में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि हम लोग ट्रेन नंबर 19325 से इंदौर से मेरठ जा रहे थे कि रास्ते में एक व्यक्ति हमारी कोच में आया और वो पीड़िता के साथ गलत हरकतें कर रहा था, जिसको हम लोगों ने पकड़ा। जिसने अपना नाम नीलेश सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी सहडौल मध्य प्रदेश बताया, नीलेश सिंह को रेलवे सुरक्षा बल को सौंपा गया, जिस पर मुकदमा संख्या 78/18 धारा 363, 511, 354, 7/8 पॉक्सो एक्ट में GRP थाना भरतपुर में दर्ज किया गया। पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुलजिम नीलेश सिंह को धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं 8 पॉक्सो एक्ट में
तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं 10,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की सूरत में 3 वर्ष का कारावास भुगतेगा। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें चोर लाखों रुपए का माल पार कर ले गए हैं। घटना की सूचना दुकान मालिक को सुबह उस समय लगी जब वह दुकान खोलने के लिए पहुंचा, जहां उसे दुकान का ताला टूटा हुआ मिला था। अंदर रखा सामान भी मौके से गायब मिला। दुकान मालिक रवि शुक्ला ने बताया कि वह रात को अपनी दुकान को बंद कर घर गया था। आज सुबह जब वह वापस अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ है और अंदर रखा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी दुकान से गायब है। चोरी की घटना के बाद दुकान मालिक के होश उड़ गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नियालगंज थाना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची नियालगंज थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। पीड़ित दुकान मालिक के अनुसार चोरी की इस वारदात में चोर उसकी दुकान से लगभग 5 लाख का इलेक्ट्रॉनिक का सामान चोरी कर ले गए हैं। आपको बता दें कि नियालगंज थाना इलाके में बीते 15 दिनों में चोरी का यह 4था मामला है। इलाके में हुई चोरी की इस 4थी घटना के बाद आमजन में पुलिस की गश्त व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो एक पखवाड़े में हुई 4थी चोरी से आमजन में खासा रोष भी व्याप्त है। सुबह करीब 7 बजे मैं दुकान पर आया तो मेरे ताले टूटे पाए। जब मैंने शटर उठा के देखा तो मेरी दुकान से चोरी हो चुकी थी और वायर, LED बल्ब, पंखे और फिटिंग का अन्य सामान, स्विच वगैरह सारा सामान अज्ञात चोर चुरा ले। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ दी। पुलिस ने FIR ली? देखिए FIR तो देखे आया हूँ और मेरा सामान लगभग 5.5 लाख का। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000225503, 9165741677। शंख झालरों से गूंजा शेरगढ़ किला। शेरगढ़ किले पर हुई महारती। शहर के नजदीक चंबल के बिहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान मंदिर पर आज शाम को 6 बजे शंख झालरों से महाआरती हुई थी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान धौलपुर CDPO भूपेश कुमार गर्ग रहे। मंदिर के महंत दीपक अवस्थी ने बताया कि दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ शुरू हुआ, जिसके पूरा होने के बाद महाआरती की गई। महाआरती पूरी होने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धौलपुर के अलावा पड़ोसी जिले मुरैना के भक्तगणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान मंदिर परिसर जय हनुमान जय श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। भक्तगणों ने पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया और मन्नतें मांगी। बसेड़ी क्षेत्र में आज करीब 5 घंटे हुई लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को परेशानी हुई। एक तरफ मौसम खुशनुमा होने से लोगों ने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया तो वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों सहित बाजारी और मुख्य मार्गों पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा विकट स्थिति हवेली थोक मोहल्ला, सदर बाजार, हवेली थोक चौराया, निजी बस स्टैंड आदि पर हुई। आसमान में घनघोर काली घटाएं होने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर तय करना पड़ा। दोपहर 12 बजे से लगातार मौसम खराब होने और बारिश होने की वजह से बाजार में ग्राहकी पर असर देखा गया और सबसे ज्यादा खासी परेशानी स्कूल के बच्चों को हुई, जिन्हें छुट्टी के समय बारिश में भींगकर और सड़क पर भरे पानी में से होकर घर जाना पड़ा। किसानों की बात की जाए तो फसलों को लेकर गुरुवार की बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। बारिश से जल भराव होने से कस्बे वासियों में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर गुस्सा देखा गया। हालांकि यह ड्रेनेज सिस्टम करीब 1 करोड़ की लागत से बनाया गया, लेकिन हर वर्ष की भांति यह हमेशा फैल ही नजर आता है। सैंपू क्षेत्र में आज जोरदार बारिश हुई है। कई दिनों से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। आज दोपहर के समय अचानक आसमान में काली घटा छा गई। यह काली घटा इस कदर बनी हुई थी
कि दिन में भी लोगों को अंधेरे का एहसास होने लगा और देखते ही देखते झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब एक घंटे तक चले इस बारिश के दौर से हर ओर पानी ही पानी नजर आया। इस अच्छी बारिश से लोगों को काफी हद तक सुकून मिला है। मौसम में नमी होने से लोगों ने पिछले कई दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी से राहत ली है तथा बारिश बंद होने के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया। कस्बे वासियों ने अपने घरों की छतों पर चढ़कर मौसम का लुत्फ लिया है। क्षेत्र में कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से आज निजात मिली है। तसीमो और उसके आसपास के कई इलाकों में 12 बजे से 2 बजे तक जमकर बारिश हुई है। इससे तापमान में कमी आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लोग भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे थे, वहीं बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं बच्चों ने भी बारिश का जमकर आनंद लिया। बसई नवाब के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवगढ़ में आज पहुंची चिकित्सा टीम के द्वारा छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम में पहुंचे डॉक्टर नीरज गर्ग व डॉक्टर पूजा शर्मा के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का गहनता से स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर पूजा शर्मा के द्वारा मौजूद विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जानकारी दी। यहां सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 4 विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 2 विद्यार्थी मंद बुद्धि तथा 2 विद्यार्थी स्किन बीमारी से संबंधित मिले हैं। डॉक्टर पूजा शर्मा ने बताया कि चिन्हित किए गए मरीजों का RBSK के द्वारा निःशुल्क उपचार कराया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा टीम के फार्मासिस्ट नवनीत, ANM रीना देवी, विद्यालय संस्था प्रधान उमा त्यागी, अध्यापक राधा कृष्ण रावत आदि लोग मौजूद रहे। सैपो में AVP ने सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A हटाए जाने को लेकर आज आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। इस मौके पर पूर्व जिला सह संयोजक ब्रजेश बघेला ने कहा कि भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसका पूरा भारत सराहना कर रहा है। देश जश्न के माहौल में कश्मीर के हमारे भाई बंधु आज अपने आप को भारत देश का गौरवान्वित नागरिक मान रहे हैं। वहीं ABP नगर मंत्री दीपक राजपूत ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने 11 सितंबर 1990 को इस अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग की थी और विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष किया और संघर्ष की जीत हुई। हमारा देश फिर से एक बार अखंड भारत की ओर अग्रसर हुआ है और केंद्र सरकार के इस साहसिक कदम के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इस मौके पर सूरज ठाकुर, नगर सह मंत्री सूरज सक्सेना, मोनू परमार, अमन बघेल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन शारदे स्कूल के महाराणा प्रताप नगर कार्यालय पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने की। बैठक में सर्वसम्मति से ममता शर्मा को जिला संयोजक नियुक्त किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए शक्ति व्हाट्सएप नंबर 6350661662 का प्रचार प्रसार पूरे जिले में करने का निर्णय लिया गया। धनीराम शर्मा ने कहा कि ममता शर्मा के जिला संयोजक बनने से संगठन मजबूत होगा। नवनियुक्त ममता जिला संयोजक ममता शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर निहागिरी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। बसेड़ी पंचायत समिति के गांव गुर्जा निवासी भूरा भगत द्वारा बाबू महाराज मंदिर के लिए दंडवत परिक्रमा प्रारंभ की है। यह परिक्रमा उन्होंने अपने गांव से प्रारंभ की है, जो मध्य प्रदेश के सबरगढ़ में करजौनी गांव के चंबल घाट स्थित बाबू महाराज मंदिर पर पूरी होगी, जिसकी दूरी करीब 90 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में करीब 1 माह का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि यह परिक्रमा उनकी आस्था है।